आज आपको हम कुछ टिप्स देना चाहते हैं और वो आपके जुडिशियल एग्जाम के रिस्पेक्ट में है। जी हाँ, आपके जुडिशियल एग्जाम के रिस्पेक्ट में है, क्योंकि अभी आपने मेरे हाथों में जो देख रखा है कि जो बुक हमने अभी अपने हाथ में होल्ड करके रखे हैं वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जुडिशियल एग्जाम में क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सभी बातें आपको हम बताएंगे, शेयर करेंगे, जो आपको बहुत बेनिफिट करेगा आपकी प्रिपरेशन में। आपको ये समझा देगा कि भैया तैयार कैसे करना है खुद को फॉर जुडिशियल सर्विसेज। क्या हम भी एक गधे की तरह दौड़ लगा रहे हैं कि कोई स्ट्रैटेजी बना के चल रहे हैं? स्ट्रैटेजी बना के चलोगे तो आपका कम समय में बहुत काम होगा। अगर सिर्फ आंख बंद करके दौड़ने लगोगे, दौड़ कहाँ रहे हैं, कैसे दौड़ रहे हैं, कहाँ पहुँचेंगे ये कुछ नहीं पता है, तो फिर आप बस कहाँ पहुँचोगे आपको ये भी नहीं पता है। आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा और रिजल्ट जीरो होगा। तो आज हम सबसे पहले आपको बता दें कि आपको हमने बताया कि जीके और जीएस को कैसे पढ़ना है, आपको विथ एग्जाम्पल हमने बताया, विथ प्रूफ बताया कि पैटर्न क्या होता है जीके जीएस का जुडिशियल सर्विसेज के लिए, है ना, जुडिशियल सर्विसेज के लिए जीके जीएस का पैटर्न क्या है, जीके जीएस में क्या क्या पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन रिपीटेडली अगर आप देखोगे ना तो हू पैटर्न नहीं बदल रहा है, पैटर्न जुडिशियल सर्विसेज में जीके जीएस का पैटर्न नहीं बदल रहा है। मोस्ट स्पेसिफिकली अगर बात करें तो बिहार का बात करते हैं, हम बिहार का ही बात करते हैं, चलो पैटर्न ही नहीं बदल रहा है, वही इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल डेट्स, ऑथर्स नेम, बुक्स नेम्स, है ना, रिवर एंड प्लेसेस, यही सब पूछा जा रहा है। एलिमेंट्री जो साइंस है उसमें पूछा जा रहा है डिफरेंशिएशन, दो फैक्ट के बीच में डिफरेंशिएट करो, एलईडी क्या होता है, एलसीडी क्या होता है, बस इस तरीके से क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। ओजोन लेयर क्या है, कौन सा विटामिन सी का साइंटिफिक नेम है, बस इसी तरीके से पूछा जा रहा है, और ज़्यादा कुछ दिमाग ही नहीं लगाया जा रहा था। तो हम उसको आपको बताएं, इसका वीडियो अपलोडेड है अपने चैनल लॉयज लाइव पे, अपलोडेड है, ये लोड हम कर चुके हैं, ये पब्लिश हम कर चुके हैं कि कैसे पढ़ना है, स्ट्रैटेजी कैसे चाहिए जीके जीएस के रिगार्डिंग। आज आप लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर कुछ टिप्स दीजिए हिंदी इंग्लिश के लिए, हम इसको सीरियस नहीं ले रहे थे कि हिंदी इंग्लिश में भी लोगों को परेशानी होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को हिंदी इंग्लिश में भी परेशानी है। एक बात तो आप जान लो, अगर बिहार से हो, बिहार जुडिशियल सर्विसेज का बात करें, पासिंग मार्क्स नहीं लाओगे इन दो सब्जेक्ट में, इन दो सब्जेक्ट्स का मार्क्स तो आपका इंक्लूड नहीं होगा आपके मेंस एग्जाम में, लेकिन अगर इन दो सब्जेक्ट्स में पासिंग मार्क्स नहीं आएगा ना तो फिर आपका फर्दर कॉपी ही चेक नहीं होगा। अगर हिंदी इंग्लिश किसी में एक में अगर आपका पासिंग मार्क्स से कम आ गया, पासिंग मार्क्स है 30 नंबर का, मान लो 30 नंबर से कम आया है, तो बस आगे आप कितना अच्छा लिखे हो लॉ ये चेक ही नहीं होगा। तो कितना महत्वपूर्ण है हिंदी और इंग्लिश भी, जिसका मार्क्स भले ही इंक्लूड ना हो आपके जुडिशियल मेंस में, लेकिन ये कितना इंपॉर्टेंट है ये आप भी समझ रहे हो अगर आप तैयारी कर रहे हो। तो आपको हम बताएंगे कि हिंदी और इंग्लिश में ज़्यादा दिमाग नहीं लगा के, ज़्यादा बुद्धि नहीं लगा के कम समय में, बहुत ही कम समय में इसको तैयार किया जा सकता है। क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या क्वेश्चन आता है, पैटर्न क्या है, ये आपको हम बताएंगे। मेरे पास पूरा का पूरा 26-25 मतलब कि 30 जो 31वां या 30वां जो जुडिशरी एग्जाम हुआ है बिहार का, उससे 25th तक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है मेरे पास। तो जो हमने अनुभव किया है कि पैटर्न बदल ही नहीं रहा है हिंदी इंग्लिश का भी, हिंदी इंग्लिश का भी पैटर्न हूबहू वही है। जैसे देखो, अगर बात हम लोग करेंगे हिंदी का, अगर बात हम लोग करते हैं, एक सेकेंड, हाँ अगर बात करते हैं हम लोग हिंदी का, ठीक है ना जी, तो हिंदी में देखो क्या है पैटर्न। सबसे पहले आप देख लेना, आपके पास भी अगर प्रीवियस क्वेश्चंस नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो कहीं से अरेंज करो, और नहीं तो हम आपको बोलोगे तो हम अपने फेसबुक पेज लॉयज लाइव पे अपलोड कर देंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, है ना, देख लेना। यहाँ देखिए क्या कहता है, पहला जनरल हिंदी का बात कर रहे हैं, निम्नलिखित में से किसी पे निबंध लिखिए, निबंध लिखना है आपको, निबंध लिखना हर बार पूछ रहा है, और उसी तरीके से कहता है दूसरा नंबर वाक्य परिवर्तन। देखो निबंध,
निबंध तो पूछ ही रहा है, हर बार निबंध पूछ रहा है, वाक्य परिवर्तन पूछ रहा है, निबंध वाक्य परिवर्तन। बस आपको करना क्या है, बस कुछ जान लेना कि वाक्य परिवर्तित कैसे होता है, सरल से मिश्रित वाक्य में कैसे परिवर्तित करें। वो एक बार देखोगे ना, 10 दिन भी निकाल के दे दोगे ना, 5 दिन भी दे दोगे ना, बहुत हो गया हिंदी के लिए। उसके बाद देखो, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, समझ में आ रहा है, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, समझ लो। उसके बाद शुद्ध कर, वाक्य को शुद्ध करने के लिए पूछा जाएगा, वाक्य को शुद्ध कर, कुछ नहीं है, एक दिन प्रैक्टिस कर लोगे हो जाएगा, एक दिन बस प्रैक्टिस कर लेना, वाक्य को शुद्ध करना है। मुहावरे याद रखिएगा, और देखिए कुछ डेफिनेशंस याद रखिएगा, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, उपसर्ग, विसर्ग, ये सब क्या है ये याद रखिएगा बस, और कुछ नहीं करना है आपको। तो निबंध आपको हिंदी में निबंध पढ़ना है, वाक्य परिवर्तन कैसे होता है प्रैक्टिस कर लोगे, 2 दिन हो गया, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, मुहावरा, उसके बाद शुद्धिकरण शब्द, जो वाक्य में अशुद्ध शब्द घुस गया उसको शुद्ध करना है, कुछ इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, बस यही पढ़ लीजिए, बहुत हो गया, 2 दिन काफ़ी है हिंदी के लिए, 2 दिन काफ़ी है हिंदी के लिए, प्रैक्टिस करना है और कुछ क्या, निबंध याद करना है आपको, क्या नहीं करना है ना, वाक्य परिवर्तन एक शब्द के लिए अनेक शब्द, और उसके बाद ये शुद्धिकरण वाक्यों का, मुहावरा, ये सब के लिए बस 2 दिन पढ़ लो, हो गया, बहुत है आपको, 30 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है, 30 नंबर का 40, 50, 60 नंबर आ जाएगा आपको। तो ये हो गया आपका हिंदी का, घबराने का जरूरत ही नहीं है, बहुत लोग घबरा रहे हैं, कमेंट आ रहा है कि सर हिंदी इंग्लिश कैसे हम करें तैयारी, कुछ नहीं है यार, बात वही इंग्लिश का करेंगे। तो देखो इंग्लिश का देखो, ऐसा नहीं है कि आपको हम सिर्फ ये बता रहे हैं, पैटर्न चेक करोगे तो आपको हर जगह वही मिलेगा, है ना, पैटर्न चेक, क्योंकि देखो हम हर चीज़ का तैयारी करके बैठे हुए हैं, इसलिए आपको बता रहे हैं। अभी इस तरीके से करो, एक बार में निकलता है, एक बार में स्ट्रेटजी बनाओगे तो एक बार में निकलेगा। अब आता है इंग्लिश का बात, तो इंग्लिश में देखो कैसे करता है, सबसे पहले दिया है आपको, देखो चेकआउट करो, आप भी पैसेज दे देगा, पैसेज राइटिंग है, पैटर्न वही है, पैसेज राइटिंग, याद करने का जरूरत पड़ता क्या पैसेज राइटिंग को, कोई जरूरत नहीं, पैसेज राइटिंग को याद ही नहीं करना है। उसके बाद उसका टाइटल कैसे दिया जाएगा, आप एक बार बस क्या करना, प्रैक्टिस कर लेना, पैसेज राइटिंग में क्वेश्चन आंसर पूछा जाए, पैसेज दे देगा, उसको पढ़ के आपको उसी में से क्वेश्चन करा जाएगा, उसी में उसका आंसर छुपा होगा, जहां पे देखोगे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बस वहां सर्च करना कि ये जो क्वेश्चन ये कहां आ रहा है, बस उसी के बगल में आपको, उसी के साथ आपको उसका आंसर मिल जाएगा, टाइटल यूज करना है, यूज कर देना है। तो पैसेज राइटिंग बस बस इतना ही चीज पे फोकस करना है, जाके घुसने जाना है, और हिंदी में तो उसी तरीके से इंग्लिश में भी पैसेज राइटिंग है। लेटर टू फादर पूछा जाता है, लेटर टू फादर या फिर न्यूज़पेपर एजेंसी को कैसे आप लेटर लिखोगे, न्यूज़पेपर एजेंसी को कैसे लिखोगे लेटर, फॉर्मेट देख लो, बस हो गया, दोनों में से कोई एक बस हो गया, फॉर्मेट देख लीजिए, फॉर्मेट ही तो देखना है, फॉर्मेट देखने में कुछ नहीं, 5 फॉर्मेट देखोगे समझ में आ जाएगा, 2 दिन में काफ़ी है। उसके बाद है फिर पैसेज है ना, एक तो पैसेज राइटिंग हो गया, माफ कीजिए, एक पैसेज राइटिंग हो गया, दूसरा लेटर हो गया, चाहे वो न्यूज़पेपर को हो, देख लीजिए फॉर्मेट देख लोगे आराम से हो जाएगा, गूगल पे भी सर्च करोगे फॉर्मेट दिख जाएगा। उसके बाद आता है प्रिसाइस, लिखने आता है प्रिसाइस आता है लिखने के लिए, प्रिसाइस होता है क्या कि आपको एक पैसेज दे देगा, एक पैसेज दे दिया, अब बोलेगा उसका निष्कर्ष निकालिए, तो आपको प्रिसाइस 80 वर्ड में लिखना होता है, मोस्ट प्रोबेबली 80 शब्द में, 80 शब्दों में आपको प्रिसाइस लिखना होता है। प्रिसाइस का मतलब होता है संक्षिप्त में आपने क्या समझा, कोई कहीं कोई घटना घटता है तो न्यूज चैनल्स क्या आपको हर एक बात बताता है, संक्षिप्त में बताता है कि हुआ क्या है, तो पैसेज दे दिया आपको, अब बोलेगा प्रिसाइस लिखने के लिए और उसका टाइटल बताइए, बस दैट्स इट। तो ये 3 चीज आपको देखना ही पड़ेगा। उसके बाद ट्रांसलेट करना, ट्रांसलेशन आता है चौथा, ट्रांसलेशन ट्रांसलेट करने बोलेगा, ट्रांसलेट करना है आपको इंग्लिश हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी में दे देगा पैसेज, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो 4 चीज है ना। उसके बाद
ब्रैकेट में दो शब्द होंगे, उसमें से करेक्ट को चूज करना है, चूज करेक्ट वन, दो ब्रैकेट आपको आराम से हो जाएगा, जिसको इंग्लिश का थोड़ा सा भी नॉलेज है वो आराम से कर लेगा। उसके बाद कुछ फ्रेजेस होंगे, उस पर सेंटेंस आपको बनाना है, फ्रेज पे सेंटेंस बनाना है ना। उसका कुछ डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने का आपको कुछ क्वेश्चंस आएगा, तो बस इतना ही पढ़ लो यार याद। 30 नंबर तो लाना है, इतना दिमाग भी नहीं लगाना है, 30 नंबर लाना है। पैसेज राइटिंग है, लेटर है, प्रिसाइज है, ट्रांसलेशन है, उसके बाद करेक्ट को चूज करना है, वर्ड को इनडायरेक्ट को डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना, इसी में तो आपका बहुत 60-70 नंबर आना, ज़्यादा नंबर लाना है थोड़ी ना है, 100 नंबर आना है कि आपको इसमें हिंदी इंग्लिश में नहीं लाना, बस 30 नंबर से अधिक आ जाए हमको, 30 नंबर तक आ जाए हम पास कर गए, हो गया जॉब, हो गया उसका दिमाग नहीं। तो कितना दिन देना है इसी हिसाब से चेकआउट कर लेना। देखो चेकआउट करोगे तो ये देखो आपको हम बता दें, ये है 29th जुडिशल सर्विसेज का क्वेश्चन पैटर्न, हम जो चेक करके बता रहे हैं आपको, ये जो था 30, ये भी 29th था। अब देखो जब 30वीं 31वीं का भी देखोगे ना, पैटर्न वही है हिंदी इंग्लिश का, हिंदी इंग्लिश का पैटर्न वही है। 28वीं, वन सेकेंड, हाँ देखो 28वीं का जो पैटर्न है वो भी सेम है, हिंदी तो जीके जीएस है, ये जो 28वीं है इसका भी पैटर्न सेम है, और हम हर चीज़ को घस के रखे हैं, तो हम जो अनुभव किए हैं कि पैटर्न सेम ही है, बस आपको इतना ही पढ़ना है हिंदी और इंग्लिश में, इससे अधिक पढ़ना भी नहीं है, और कुछ भी निकाल के रखिए ना यार, निबंध में ही आपको 20 नंबर है, बाकी परिवर्तन में ही 10 नंबर होगा, 30 नंबर आना कोई बड़ा बात नहीं। तो 5 दिन भी दोगे ना एग्जाम से पहले, 5 दिन दे दोगे, एक एक घंटा भी दे दोगे एग्जाम से पहले, 5 दिन एक एक घंटा दोनों सब्जेक्ट को, इंग्लिश हिंदी को, तो कवर हो जाएगा। समझ में आया? अब कोई आपको डाउट कि हिंदी और इंग्लिश को कैसे प्रिपेयर करें जुडिशियल सर्विसेज के लिए, कोई डाउट होगा कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स बना ही है आप लोगों के कमेंट के लिए, कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा बताइए, मज़ा आया कि नहीं मज़ा आया, मज़ा आया तो मज़ा आया कमेंट कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।